खबर बुरहानपुर से है, जहां पर वन अमले पर अतिक्रमणकारियों का हमला। बताया जा रहा है कि वन कर्मियों के पहाड़ीवर्ती जीपों पर किया हमला, कई वन कर्मियों से की मारपीट। और बताया जा रहा है कि यहां पर मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया और 35 आरोपी फिलहाल गिरफ्तार कर दिए गए हैं। अतिक्रमण के मकसद से काट रहे थे पेड़ और कार्रवाई के दौरान वन अमले ने 4 लोगों को हिरासत में लिया था और छुड़ाने के लिए वन माफियाओं ने डिपो पर हमला बोल दिया। ये बड़ी जानकारी, एक तरफ पेड़ को बचाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ वन माफिया है जो कि वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें कि 35 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बुरहानपुर से, जहां वन अमले पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया है। वन कर्मियों की वर्दी भी फाड़ दी गई है और इसके अलावा बताया जा रहा है कि बदसलूकी की गई है, कई वन कर्मियों से मारपीट भी की गई है। मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा। फिलहाल ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से वन कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विकास ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विकास, क्या है पूरा मामला? मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है बुरहानपुर का है, जो बुरहानपुर में इस वक्त जो अतिक्रमणकारी है उनके हौसले काफी बुलंद हो चुके हैं। कल की ये घटना है जहां वन कर्मियों ने 4 जो अतिक्रमणकारी थे उन्हें पूछताछ के लिए डिपो बुरहानपुर में लाया गया था, जहां पर उनसे पूछताछ की जा रही थी। किंतु जो अतिक्रमणकारियों के जो साथी थे 40 से 45, वह देर रात आए डिपो पर और डायरेक्ट हमला कर उन 4 साथियों को छुड़ा कर चले गए जी। इसमें इस घटना में वन कर्मियों के साथ में हाथापाई भी हुई है, साथ ही जो वन विभाग का जो ऑफिस है वहां पर भी तोड़फोड़ की गई है। विकास, वन कर्मियों के साथ मारपीट की गई है, क्या कोई वन कर्मी गंभीर रूप से घायल तो नहीं है? अभी प्रथम दृष्टया में तो ऐसा कोई नहीं देखा गया है, किंतु हाथापाई और वर्दी उनकी फाड़ दी गई थी जी। जिसके बाद तुरंत जो पुलिस कर्मी है वहां पर पहुंचे, मौके पर उन्होंने दल बनाया और करीब 35 लोगों को अतिक्रमणकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो क्या आपने वन कर्मचारियों से बातचीत करने की कोशिश की? वन कर्मियों से जब इस विषय पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि हमने केवल 4 जो अतिक्रमणकारी लाए थे उनसे केवल पूछताछ कर रहे थे कि जो ठाठर ग्राम है वहाँ पर अतिक्रमण जो कर रहे हैं, जो आपने झाड़ काटे हैं, वृक्ष काटे हैं, पर यह उनके जो गांव के जो लोग थे, उनके साथी थे, उन्हें यह ना गुजरा और वो आकर उन्होंने डायरेक्ट हमला कर दिया और उन्हें छुड़ा कर लेके चले गए। चलिए विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वन कर्मियों की बदसलूकी का पर बताया जा रहा है कि उससे बदसलूकी की गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता दें, कई वन कर्मियों ने उन पर मारपीट की गई है। राहुल कुमार एसपी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार। राहुल जी, खबर यह है कि वन कर्मचारियों पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया है। ये कल की एक घटनाक्रम है जिसके अंदर 4 लोगों को वन कर्मचारियों ने जो है वो अतिक्रमण के मामले में राउंड अप किया था और उसके बाद में उनके जो लोग थे वो वहां पे आए, बातचीत करते करते मामला गेमा गेमी हुआ और वो 4 लोगों को लेके वहां से निकले। उसके बाद में जैसे ही पुलिस को जानकारी में आया तो रास्ते में ही जो है वो चेकिंग पॉइंट लगा के जितने टोटल 35 लोग थे, 35 के 35 लोगों को जो है वो गिरफ्त में ले लिया है, जिसमें टोटल 21 पुरुष है और 14 महिलाएं, 15 महिलाएं हैं, टोटल 36 लोग हैं।
तो 36 36 लोगों को राउंड गिरफ्तार कर लिया है। आज गिरफ्तार करके उनको कोर्ट में पेश कर रहे हैं, कोर्ट में पेश करके उनको जेल दाखिल किया जाएगा। राहुल जी, ये वन कर्मियों पर हमला तो ठीक है, वो आप लोगों ने गिरफ्तारी किया, लेकिन जो वनों का जो अतिक्रमण है काफी समय से चल रहा है, क्या सर आप प्रशासन वालों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी? वन अतिक्रमण के बारे में आपको मेरे ख्याल से वन विभाग की तरफ से ज्यादा अच्छे से जानकारी मिल पाएगी। जैसे ही वहाँ पे स्थिति निर्मित हुई है तो तत्काल पुलिस ने उसको हैंडल करके और जो आईपीसी की धाराएं थी उसमें मामला कायम करके सब लोगों को गिरफ्तार करके आज कोर्ट पेश कर रहे हैं। वन अतिक्रमण का एग्जैक्ट डेटा डीएफओ बुरहानपुर अनुपम शर्मा जो है वो अच्छे से दे पाएंगे एग्जैक्टली कितना एरिया अतिक्रमण है, क्योंकि वो पूरा एरिया वो उन्हीं केस में आता है, तो वो अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए राहुल जी, आपने अपना बहुमूल्य वक्त इंडिया न्यूज को दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. Thank you.